तो पीएच मान निकाले हम लोग। पीएच मान का पूरा नाम सबको याद है? पीएच का पूरा नाम आप लोग याद है? पीएच का पूरा हाँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सुनो, अभी सूत्र आपको बताया गया तो याद हो गया है, यच पर प्लस बराबर ए। पहले बात करो, पढ़ो जब बात में सब करना। हाँ अभी पढ़े दुखा करते, 10 के ऊपर माइनस देखिए फॉर्मूला था। और दूसरा हो गया क्या, पी एच बराबर माइनस लॉग यच के ऊपर प्लस। तीसरा पी एच प्लस पी ओ एच बराबर, कबो के पूछे एक बारे में आ जाए तो क्लियर जान जाओ, आधा घंटा पढ़ा लेकिन पूरा जान जाओ कि भविष्य में कभी आप जाएँ इंजीनियर बन के जाएँ कुछ भी बन के जाएँ, आपसे कोई पूछे तो आप लोग ये मत कहिए कि सर मुझे नहीं मालूम। तो आते हैं ये कौन का है तो नहीं हम बताते हैं, व्हाट इज एच प्लस, एच प्लस का है का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इतना जानिएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। चलो तो थोड़ा सा इसको आप जान गए हैं तो एक सवाल हम ले करके आ रहे हैं आपके पास। देखो कोई कहा कि एक बिलियन है और उस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के ऊपर माइनस 7 है। कोई बिलियन है उस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के ऊपर माइनस 7 है, तो उस बिलियन का पीएच मान बताना और बिलियन की प्रकृति बताना है। बिलियन का अच्छा प्रकृति का मतलब है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक। अलग बाबू आ उदासीन होगा तो उसका पीएच मान 7। चलो ओके, एक बिलियन का एक बिलियन में लिखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के ऊपर माइनस 7 है तो पीएच मान बताइए। चलो पढ़ो छोड़ो सब तथा प्रकृति बताइए, प्रकृति बताइए सीखो ऐसा। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमको लगता है कि सब लोग लगा लेंगे इसको। एक बिलियन है, उस बिलियन में कहा गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर माइनस 7 दे दिया है, तो बिलियन का पीएच मान बताना है, प्रकृति बताना है कहाँ होगा। आपके पास फार्मूला है एच के ऊपर प्लस, एच के ऊपर प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो एच के ऊपर प्लस पावर 10 के ऊपर माइनस पीएच, एच के ऊपर प्लस पावर 10 के ऊपर माइनस पीएच। ये सब काहे का तैयारी किया जाता है कि पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आदमी लगा ले, लगा ले दिल के सुकून मिले खुशी मिले, आए घर तक खूब एकदम समझो कि वो गुपचुप खूब खाए कि हाँ आज मेरा पेपर सही हुआ। ये बात हाँ तो हल करें तो कहा दिया एक बिलियन में एच धनायन कर रहा है तो एच प्लस का मान कितना 10 के ऊपर माइनस 7 आज जो हम दिया है तो लिख लिए, आराम से ले लो थर्मामीटर ले लो मानिए घुसा दो बस काम हो गया। तो क्या करेंगे कहाँ निकालना है मालूम है पी एच कहाँ निकालना है, और सूत्र आपके पास क्या होता है पी एच के ऊपर प्लस पावर 10 के ऊपर माइनस पी एच अरे दे 10 के ऊपर माइनस 7 ये 10 के ऊपर माइनस अच्छा हाई 10 के ऊपर माइनस पी एच जाएंगे वहीं रहियो देखा अब क्या कर रहे हैं है 10 से 10 गई माइनस माइनस गई तो 7 बराबर पी एच तब देखेंगे अम्लीय लोग कहते हैं। हाँ पी एच का मान कितना आ गया तो कौन बिलियन होगा कोई दिक्कत? अच्छा पूरा समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा नोट कर लीजिए तब आगे बढ़े फटाफट जल्दी से एक मिनट के टाइम में। क्या करेगा भाई एच के ऊपर प्लस के ऊपर 10 के माइनस 7 रख दो माइनस माइनस कर दो 10 से 10 कर दो 7 बचल पी एच बचल पी एच 7 आ गई तो पी एच 7 और 7 कौन होगा उदासी। आसान क्वेश्चन पंजाब से चल के आया था, अब सभी को याद होगा पंजाब के मुख्यमंत्री चेंज कर दिया गया, नया मुख्यमंत्री हुआ है। कॉम्पिटिशन में आप तैयारी कर लीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है। शपथ नहीं लिया गया सर। चलिए आगे बढ़े हम लोग,
अवतार आपके पास होते हैं, बहुत क्वेश्चन अच्छा अच्छा दिया है इसमें, सात आठ क्वेश्चन है। हाँ जा रहे हैं, मिटा दें। हाँ बोलिए, मतलब इसके बाद देंगे। हाँ लाख दस कमान एक, लाख सौ कमान दो, लाख एक हजार के तीन, लाख दो कमान दस मतलब तीस दस, लाख तीन कमान सैंतालीस इकहत्तर, लाख चार कमान दो गुणे, लाख दो कमान जितना होता है दस मतलब तीस दस रख दो तो साठ बीस आ जाएगा। अरे बोला याद करो ना, सब उस पर याद हो गया। उसब याद नहीं किया जाता है ना, उस सब आपके पेपर में दिया रहेगा, जब क्वेश्चन देगा उसमें दिया होता है लाख दो का, लाख तीन का, लाख दस का, रख देना है उसको। याद है ना, याद है। हाँ फार्मूला याद होना चाहिए, अल्लाह के जितना माना को दिया रहेगा। चलो नहीं दिया होगा तो हम रहेंगे ना, फोन करना वही बोर्ड पर जहाँ बैठे रहे, फिर सर बताइएगा। मारे मोबाइल लेकर मत जाना यार। चलिए मिटा रहे हैं, हालांकि एक बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया है, 10 के ऊपर माइनस 9 है, 10 के ऊपर माइनस 9 है, तो बिलियन का पीएच मान बताना है, बिलियन का प्रकृति। अच्छा बता दोगे सब लोग, छोड़ दें हाई एच के ऊपर प्लस बराबर 10 के ऊपर माइनस 9 निकाले के बाद हाई सूत्र हो गई। हाँ बस ये रख देवे भाई, खाली 9 रही तो माइनस माइनस कट गई, 10 से 10 तो ये कितना हो गई 9, 9 आ गई, हेजा 9 हो गई, आई कहाँ हो गई क्षारिय हो गई। कोई दिक्कत तो बन गया जी, अब खाली क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन, अब आ जा पुदीना लेवे खाती है। ये तो सवाल बहुत सिंपल था ना, लेकिन अब सवाल जो आएगा बड़ी कन उतार लिए। हाँ समझ गया, बस यह था एच के प्लस पर 10 के माइनस 9, जहाँ भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहेगा एच के प्लस लिख कर रहेगा। सीखे आप लोग, लग जाएगा और ना आगे बढ़े। हिमांशु कहाँ भाई, हिमांशु ना लड़का रे, सागर लगा लेगा। विवेक तू रहा तो पूछने की जरूरत नहीं, तो सब लगा लेगा। अब क्या लगा पूछना हाई खाली मिटा दे, मिटा दे। तीसरा क्वेश्चन है, चलो हाई हटाओ। अब ये जाके जानते हो कहाँ, 2 × 10 के ऊपर माइनस 4 है, तो पीएच मान बता। अब होगा गड़बड़, अब क्या होगा, एक पहले को दिक्कत नहीं था, खाली 10 को मैंने 4 दिया था तो हमने खड़ा रहा करके लगा, लेकिन अब भाई 2 है तो कहाँ करेंगे आप, कहाँ रखेंगे, समझ रहे बात को। तो अगर अगर सवाल में 2 × 10 को मैंने 4 आ गई, 3 × 10 को मैंने 4 आ गई, 5 × 10 को मैंने 4 आ गई, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला कॉमन याद हमेशा ये लगेगा। कब, जब आपको खाली देखो खाली 10 को मैंने 10 डाला, हालांकि जो तू सवाल लगाओ तो लगा यही सूत्र से लगाओगे तो उतना ही आएगा, लगा देखा देखा आपको। जैसे मान लो पहले आपका 10 को मैंने 7 था ना एच प्लस का मानवा, पीएच का निकालना था ना, तब भाई का सूत्र वही पर रखो, पीएच बराबर माइनस लाग एच के ऊपर क्या हो गया प्लस, पीएच वाला माइनस लाग एच के ऊपर प्लस हो गया। इन्वर्टर बन गया, अप डाउन मार रहा है वोल्टेज। हाँ क्या करोगे जानते हो, माइनस होंगे लिखो, लाग होंगे लिखो, आई का दिया इतना दिया है ना 10 के ऊपर माइनस 7, एकदम आराम से समझना, एकदम आराम से, तो उनको घबरा ही ना, जौन घात होता है हमेशा आगे आ जाता है, इलाक के रूल होता है, जौन घात होगा सबसे कहाँ आ जाएगा। पहले पुराने किताबें चलती थी तो सब लाख के नियम उसमें पढ़ाए जाते थे, ठीक है, तो आगे आ जाएगा माइनस माइनस 7 आई का आ जाएगा लाग 10, ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा प्लस 7, लाख 10 का मान 1, एकदम याद रखना कि लाख जहाँ भी 10 रहेगा उसका मान 1, लाख 100 रही 100 तो इसका 2, जानते हो कहेंगे कुछ कहेंगे, जैसे लाख 100 मानो तो 10 के ऊपर 2 लिखा सके ला ना, 10 × 10 आ फिर 2 आपके आगे आ जाएगा, तो वही लाख 10 100 के ऊपर 2 लिखवा हाई 2 × 10 लाख 10 का मान कितना आ गया 1, तो फिर 2 आ जाता है इसका, लाख 10 के बस यार। हाँ आके पूछ दे कि लाख 0 का मान, चाहे लाख 1 का मान तो 0 होता, लाख 1 का मान 0, 0 का भी 0, 0 लाख 0 तो कभी आएगा ही नहीं, लाख 0 अगर आ गया तो 0 लिख लेंगे।
बस खाली 10 किया था, बाकी अब एकरा आगे लाग दू लाग तीन लाग चार, लाग चार के जगह अगर तरह लाग दू के मान याद कर पाई तनी लाग दू के मान फिक्स बा जीरो दशमलव तीस दस जीरो दशमलव तीस पहले मैं तनिक प्रैक्टिस करा देता हूँ का ये आंसर आ चुकल बस सात सात आ गया। सुनो अगर लाग चार दे दलास लाग कितने दे दिए समझो ना लाग दू के याद रखो दशमलव तीस दस लाग चार दे दी तो लाग दू के ऊपर दू लिखा दी तो वो ना बोलते नहीं है। हाँ एक चीज और है कि इमें याद दू का ही पूछेगा आपसे लाख दू का बस याद रखेंगे दशमलव तीस दस दशमलव तीस चलो अब समझ में आया ना कि चाहे इससे लगाओ चाहे फार्मूला से लगाओ कोई अंतर नहीं सेम वही आंसर तो थोड़ा सा इसको भी एक नोट कर लो कि पता चलेगा कि अगर एच के ऊपर प्लस दिया हो तो पी एच निकालना होता है। हाँ इसको नोट कर लो। अच्छा पूरा मान याद रखेंगे। हाँ आ जाओ कैसे हल करोगे देखो। अच्छा कहाँ का दिया तेन देखो सुना था एक बिलियन में एच प्लस का मान दे दिया कितना दुगुना दस के पावर माइनस चार दुगुना दस के पावर माइनस चार। अच्छा आप जाएंगे ना ग्यारह में खूब विस्तार से मिलेगा पढ़ने के लिए पी एस में क्योंकि पठुए बना दे लो। चलो तो एच प्लस दुगुना दस के पावर माइनस पी एच आ का पूछा था पी एच मान का पूछ रहा है तो निकल जाएगा। तो सूत्र वाला का में पी एच बराबर सूत्र हम लिख रहे हैं ठीक है माइनस लाग आई एच के ऊपर प्लस हो गया इतना पी एच वही लिखो माइनस लाग लिखो एच के ऊपर प्लस के मान दुगुना दस के ऊपर माइनस चार हो गया इतना। अब सुनो यहाँ वो बता देते हैं अब पी एच वही रखो ठीक है माइनस लाग। अच्छा इसको लिखना होगा तो लाग देखो पहले लिखे हैं कैसे माइनस वहींगा लिखो लो कैसे लिखो माइनस आगे बढ़ा लो लाग के रूप में जब भी लिखोगे ना तो होगा लाग दू एकदम ध्यान से समझना लाग दू। अच्छा हाँ गुणा बता हमेशा प्लस आगे जहाँ गुणा हमेशा प्लस लाग दस के ऊपर माइनस चार लाख दो या प्लस लाख दस के ऊपर माइनस चार तब पी एच बराबर क्या हो गया माइनस लाख पी एच माइनस लाख दो का मान दशमलव तीस दस बताओ नहीं आपके असू नहे में का हो चार आगे आ जाए तो ये मान लो माइनस हवा था तो प्लस हो जाए माइनस चार लाख दस का मान एक हो गया जैसे माइनस चार बानो तो आगे आ गई लाख दस बचे तो मान का हो गई एक तो पी एच वाला देखा हो माइनस आगे होंगे रही जीरो दशमलव तीस दस आई माइनस चार माइनस कितना आ गया चार। अब सुनो पी एच बराबर पहले माइनस से गुणा कर दो तो आई माइनस जीरो दशमलव तीस दस आई प्लस चार प्लस कितना आ गया चार आ गया। अब सुनो तो पी एच बराबर घटा दो घटावल कहेंगे जरा हम बताओ थे दशमलव के बाद कौ अंक बा चार बना तो चार में से घटाओ के चार को जीरो बढ़ा दी जाइए तब घटावल जाइए तीस दस तो जीरो में जीरो जीरो नौ में से दस में से गई नौ आइयो नौ नौ में तीन गई छः आई तीन तागल तीन दशमलव छः नौ नौ जीरो आंसर वन। आई बताओ अम्लीय होगा कि क्षारीय अम्लीय अरे तीन दिन बात हो जाएगा प्रकृति में लिख सकते हैं अम्लीय। अब बोलो कुछ समझे हो प्लस समझता है इसका रूल होता है एक बार समझाते हैं सुन एच धनान का मान दोगुना दस को मैंने चार दे दिया पी एच का मान पूछ रहा है पी एच बड़ा होता है माइनस लाग एच के ऊपर प्लस भाई वही लिख देंगे इसका मान दिया इतना लिख देंगे आराम से समझना। अब लाख से गुणा करेंगे माइनस जगह वही लाख जहाँ दो बताँ दो और जहाँ गुणा के चिन्ह बताँ प्लस आ जाएगा जहाँ गुणा के चिन्ह बताँ प्लस आ जाएगा आ फिर लाख लिख लेंगे हाई दस के पार माइनस चार वैसे ही लिख देंगे माइनस लाख दो का मान दशमलव तीस दस हाई माइनस चार आगे वहाँ आ गुणा एक तो हाई माइनस
दशमलव तीस दस आई चार आई माइनस हो दशमलव तीस दस देखो माइनस गुणा हो गए आई माइनस में प्लस आ तब में से घटा दिल अपना इसको नोट कर लो। अब एकदम आज प्रैक्टिस करा के तुम लोग सिखाइए दे रहे हैं देखो ना तुम समझते हैं। एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन आज एकदम एक्सपोर्ट हो जाना है तुम लोग की सांद्रता दो गुणे दस के ऊपर माइनस पाँच है तो पीएच मान और बिलियन की प्रकृति बताइए। प्रकृति में तो जान रहे हैं ना ये क्वेश्चन आपके पास है ठीक है। क्या कहा गया कि एक बिलियन का हाइड्रोजन आयन एक बिलियन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दो गुना दस के माइनस पाँच है तो पीएच मान बताइए और बिलियन की प्रकृति भी बताइए। तो हल कर दे इसको कैसे हल करेंगे बताएं इसको हाँ देखिए हल कर रहे थे आप ध्यान से देखिए। पहले क्या कहा है ना देखो यहाँ पर दिया गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना दिया गया दुगुना दस को माइनस कितना है पाँच है तो एच प्लस के मान दुगुना दस को माइनस पाँच लिख लो पीएच आपका पूछ रहा है फिर प्रकृति आपका पूछ रहा है तो सूत्र क्या होता है पीएच बराबर माइनस लॉग एच के ऊपर प्लस तो पीएच बराबर माइनस लॉग एच के प्लस के मान दुगुना दस के ऊपर माइनस पाँच। अब यहाँ से समझ रहे हैं खूब लो ध्यान से देखना सब लोग पीएच बराबर माइनस लाग दो लाग अच्छा गुना बता प्लस आ जाए और लाग दस के ऊपर माइनस सब लोग सीखो सीखे सब लोग अच्छा पीएच बराबर माइनस लाग दो का मान तो जानते ही होंगे दशमलव पढ़ा देते याद भाई नहीं है बोला वही नहीं याद होला ये माइनस आएगा तो माइनस प्लस का आ जाएगा माइनस पाँच हो गया अब बचेगा लाख कितना दस अब सुनिए हाँ रखा जाएगा माइनस जीरो दशमलव तीस दस एक काम करो माइनस गुणा कर दो तो ये जाएगा माइनस जीरो दशमलव तीस दस भाई माइनस में कितना हो गया प्लस पाँच लाख दस का मान एक तो पी एच बराबर कितना आ गया माइनस जीरो दशमलव तीस दस और प्लस पाँच है कम पाँच अब घटा दे इधर कहीं किनारे पाँच का एकाओगे जीरो चार गो क्यों चार गिरो क्योंकि दशमलव के बाद कितना आ गया चार दशमलव तीस दस है जीरो है नौ है छः है चार तो पी एच यहाँ पर लिख देते हैं चार दशमलव छः नौ नौ कैसा बिलियन होगा समझ में आ रहा है कुछ सीखे कि और बताना पड़ेगा चलो नोट कर लो इसको।